जूते को पहले कहीं देखा हुआ मुझे लगता है। ओए तुम तो पीछे से हटो, बात भी मैं ये सोच रहा था कि जूता मुझे कुछ मजबूत नहीं ये लगता। हाँ मैं टेस्ट करके देख लू। पापा जी क्या कर रहे हो? काफी ठीक है, मेरा धूल भी उड़ती है इसमें से। वैसे कृपया जी पापा जी, मैं ये सोच रहा था कि लगता है लोगों ने नंगे पैर फिरना शुरू कर दिया है। कोई गाहक आता है ना जाता है। जी पापा जी आप ठीक आते हैं, लोग समझदार हो गए हैं। देखो ना जी, लोग जूतियाँ भी वारी वारी पहनते हैं, कफायशारी का जमाना है ना जी। और क्या मतलब है तुम्हारा? हा? मत बोले है जी कि आज आप हैगा का जूता पहन कर आए। मैं ये जूता आपसे लेकर घर जाऊंगा, उसको दूंगा तो फिर इधर आ सकेगा। अच्छा 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 अच्छा, अपना काम करो। कमाल है, क्या कलबूज जैसी शक्ल दिखाई हुई है तुमने। है वेचनिया जूतियाँ ते करनिया गला। ये बताओ कि तुमने कल एक जूता 1.25 लाख को बेचा था? बेचा था। उसके पैसे लिए थे? लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। तो बात तो कल है पापा जी के 1.25 लाख के पास नकद रकम नहीं थी। अच्छा, मैंने उधार दे दिया था। अच्छा था कि जी आज पेमेंट कर दूंगा। और पेमेंट के बाद मुकेश ना, और अब कौन आएगा तुम्हें रकम देने के लिए? बात प्लीज फिक्र ना करो जी, फिक्र ना करो। मैंने भी 1.25 लाख को दोनों सजे पैर के जूते दिए हैं। आज वो तब्दील करने जरूर आएगा, हम उसे पैसे ले लेंगे। ओए टुटी अद्दी, लेने जरूर आएगा। बात तुम्हें दूसरा जोड़ा भी जाया कर दिया तुमने। मैं क्या करूँ कि आ जाओ बेगम के आगे। यही रहा था, चलो पीछे चलो पीछे। क्या कर रहा है? जूता दिखा रहा था आपको। आप बड़े भैया जूता तशरीफ लाइए, उतारो। अच्छा बंदा की क्या खूबसूरत जूते हैं, इन्हें देखकर दिल कबूतर की तरह फटकरियां खा गया। बेगम क्या क्या वो खड़ाऊ ले लूं मैं? ईद तो गुजर गई, ईद पे जूता ही नहीं कोई लिया मैंने। क्या कहीं लिया? बच्चों के जूते लेने और लग गए अपनी जूतों की शक्ल में। हर तेरा बैल का मुंह हो जाए। मैं तो सिर्फ यही कह दिया, खड़ाओं की शक्ल तुमसे मिलती जुलती। अब मेरा मतलब है शक्ल बहुत अच्छी है, तुम तो खाम खा गर्मी खा रही है ना। आ रही है क्या कहीं दिया? हाँ हाँ पेट कस के अब्बा, मैंने कहा तुम तो आए थे बच्चों के जूते लेने और लग गए अपनी जूतों की शक्ल में। हर तेरा बैल का मुंह हो जाए। मैं तो सिर्फ यही कह दिया, खड़ाओं की शक्ल तुमसे मिलती जुलती। अब मेरा मतलब है शक्ल बहुत अच्छी है, तुम तो खाम खा गर्मी खा रही है ना। आ रही है ना जा रही है, दुश्मनी बढ़ा रही है। वैसे दिन खातून भैया रोक के रोक के, मुझसे बात कर खातून से। बात ये है बड़े भैया, मैं ये कह रहा था कि ये जूता आप देखे गेंडे के चमड़े का बना हुआ है, पाँव फट जाएगा जूता नहीं फटेगा। इसके अलावा एक और जूता है दरियाई घोड़े की पूछल का बना हुआ, इसे पहन कर आप बेशक दरिया में उतर जाए, आप चाहे डूब जाए जूता तैरता रहेगा। ए बिटुआ, ए बिटुआ, बटुआ किसको कह रहे हैं? बिटुआ कह रहे हो भाई? अच्छा, दरियाई घोड़े का जूते से क्या कनेक्शन? तू क्या जानते हो भैया? देखो बड़े भैया, मुझे तो कोई सस्ता सा जूता दिला दो सरौता बेटी के लिए। सस्ता सा जूता वो भी इस दुकान पे। कृपाश ये पापा जी ऊपर से तला उतारो, इनको दो साथ में गोंद दो। आप ऐसे करें बड़े मियां के गोंद लगा के ना तले के साथ तो चलते मिलते नजर आए, गोंद मुफ्त मिलेगी। फिर को भी गोंद इनके सर पे। बड़े मियां किसे कह रहे हैं? इसके अलावा एक कृपाश जी पापा, गुलाबी रंग का एक जूता 17 नंबर ऊपर से फेंको। इंग्लिश इकबाल है और जूते बिकते कम है और मेरे सर पे ज्यादा पड़ते हैं। बात तो लूज कर पाया पापा जी। मैं की करा, जूता मैं गांव के लिए भेज दो, आपके सर पे जा पड़ता है। खामोश में शोर मचा लिया घंटे का। जीता जीता चलो पेचकस के अब्बा, चलो पेचकस के अब्बा अगली दुकान पर चलते हैं। हम तो ये तो बहुत महंगे जूते, अच्छा सा चलकर चिली पर लेंगे हम तो। हाँ जूते बेटा कभी मिलिए तुझसे बात करूंगा मैं। चलो पाने स्लीपर ते मगड़े बूट। मुसीबत आ रही है हर कारण में। बात यस मुसीबत बड़ी परेशान इस तरह का जूता। इस तरह का जूता मिस मुसीबत, इससे अच्छा जूता मिलेगा, कमाल जूता मिलेगा। बाबा जी इस जूते का क्या करूं? आ इस जूते को उस कार्नर में रखो। बात तो भी इंग्लिश कार्नर। हां उस कार्नर। ओके सर। मिस मुसीबत आप क्या बात है? और मैं जूता कह रहा था कि आपको मिल जाएगा इस तरह का। मैं
कौन सा जूता? वो जो जूता आप मांग रहे हैं। बात यह है कि मैंने मेरी जूती का एक पैर हाथ राम को मारा था, मैं वो कमबख्त जूता उठाकर भाग गया। ट्रेजेडी शुरू हो गई। मैं पूरी स्टोरी तो सुन लो। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि तुमने हाथ राम को तो नहीं देखा? वो सरगम क्या? वो सरगम नहीं क्या? मैं पूछ रही हूँ, हाथ राम को तो नहीं देखा? मिस मुसीबती, और ये कोई इंक्वायरी ऑफिसर आ जाते हैं शक्ल उठा के यहाँ पूछने के लिए, हाथ में हाथ तो नहीं देखा, फुलारा तो नहीं देखा है, ना शक्ल ते ना अकल, ते मंगने जूतियां ते बकल, मैं कौन? चुप करो बकल। तौबा तौबा, वे कितने बदीन हो गए तुम। अच्छा, कभी लगना मेरे मकान के आगे से पकी पकाई हांडी ने तेरी सार में मारी, चालनी मुसीबती चली है। दो रोटियां भी साथ ही मारना, वो भी पकी पकाई।